ये फाइल चेक करें मालिक, हट जाए मालिक। शिट, बच गया। ये क्या था मालिक, आपको लगी तो नहीं? नहीं। ये टायर किस बेवकूफ ने फेंका है? छोड़ो, गलती से हो गया होगा। गलती से नहीं मालिक, ये टायर जानबूझ के फेंका गया आपको चोट पहुंचाने के लिए। मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। लिफ्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? पता नहीं मुंशी साहब। मुंशी साहब, जुहेब काम कर रहे हैं लिफ्ट पे, आखिर हुआ क्या है? मुझे पहले से ही पता था ये हरकत जुहेब की होगी, आज सबको पता चल जाएगा। ओए जुहेब, नीचे टायर क्यों फेंका है? ओए मुंशी, औकात में रह तू अपनी, तुझे पता भी है तूने किसका गिरेबान पकड़ा है? मुझे अच्छे से पता है, बताओ मालिक को टायर क्यों फेंका तूने? तेरे उस मालिक का चचाजात भाई हूं मैं, इल्जाम लगाने से पहले जा सबूत लेके आ। कब तक बचाएगा तू इसको? इसका तो मैं काम तमाम करके रहूंगा। सारा माल उस नए वाले गोदाम में ले जाओ। ये मुंशी साहब मुझे ये क्यों कह रहे थे कि टायर खुद ब खुद नहीं गिरा, बल्कि किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गिराया है? आखिर ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? तुम दोनों मेरे साथ चलो। क्या हो गया मुंशी साहब, काम यहीं छोड़ दें? काम भाड़ में जाए, मालिक की जिंदगी का सवाल है, चलो मेरे साथ। मालिक किधर है? मालिक गोदाम में है। मालिक जुहेब को आप समझाएंगे जब हम उसको सबक सिखाएं? क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मालिक आपको नजर नहीं आ रहा, आपसे वो हसद करता है और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? वो मेरा चचाजात भाई है, मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके जो इतने बड़े बड़े कारोबार है, आप उसके इकलौते वारिस हैं। अल्लाह ना करे मालिक, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी सारी जायदाद आपके चचाजात भाई को मिल जाएगी। पता नहीं क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। तुम सब अपने अपने काम पे तवज्जो दो, बाकी मैं देख लूंगा। रुके मालिक, खुदारा अपनी आंखें खुली रखें, अब आपके ऊपर बाप का साया नहीं है। ये सही कह रहा है मालिक, आप खुद सोचें, बड़े मालिक के जाने के बाद आपके साथ कितने हादसे हो चुके हैं। मालिक वो हादसे नहीं है, आपके खिलाफ साजिशें हैं। देखो ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसमें छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तो ज्यादा मत सोचो, अपने अपने काम पे तवज्जो दो। मालिक अगर ऐसी बात है तो जब भी कोई हादसा होता है तो सिर्फ आप ही के साथ क्यों होता है? और हर बार हादसे की जगह जुहेब भी क्यों मिलता है? लेकिन हम उसे सिर्फ शक की बेस पे गलत तो नहीं कह सकते ना? तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो बताओ। मालिक सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक प्लान जरूर है उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। कैसा प्लान? आप हमारे साथ हैं। अरे कोई बचाओ, ये बोरी मेरे ऊपर गिर गई है। जुहेब जल्दी करो, ये बोरी हटाओ मेरे ऊपर से, मेरी टांगे टूट रही है। अगर आज इसको मैंने बचा लिया तो फैक्ट्री का मालिक मैं कैसे बन पाऊंगा? इसको तो टपकाना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो जुहेब, ये बोरी हटाओ मेरी टांगे टूट जाएंगी। साले कमीने, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, बहुत कोशिश की तुझे टपकाने की, मगर हर बार तू मेरे चुंगल से निकल के भाग जाता था। तुम क्या बकवास कर रहे हो जुहेब? बहुत काम कर लिया तेरे नीचे, आज तुझे टपका के सारी फैक्ट्री का मैं मालिक बन जाऊंगा। छोड़ मुझे, तेरी यहाँ आवाज कोई नहीं सुनने वाला दूर दूर तक। देख लिया मालिक आपने, ये तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने प्लान बनाया था। बड़ी शर्म की बात है, भाई कहता था मैं तुम्हें अपना। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम बेरोजगारी का रोना रो के मेरे बाबा के पास काम मांगने आए थे? हमने तुम्हें इज्जत दी, अपने पास अच्छे लेवल पे काम दिया, उसके बावजूद भी तुमने हमें ये सिला दिया है। ठीक ही कहते हैं, जिसके साथ भला करो फिर उसके शर से भी बचो। निकालो इस कमीने को यहाँ से बाहर।